सुनो। तेरे नी करारा मैनू पटिया, दस मैं की प्यार विचों खटिया। तो आज है क्रिसमस का दिन, तो आप सब में से जो क्रिसमस मना रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। क्रिसमस मुबारक, मैरी क्रिसमस। हम नॉर्वे में रहते हैं तो क्रिसमस पे छुट्टी होती है, मतलब आज और कल मुकम्मल छुट्टी है, तकरीबन हर चीज़ बंद है। तो हम घर में तो फैमिली टाइम होगा और हम आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत कि हम क्रिसमस कैसे मनाते हैं। इसको एक्चुअली नॉर्वे में यूल कहते हैं और ये एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है और कहा जाता है कि ये एक्चुअली क्रिसमस से भी पहले की ट्रेडिशन है। तो इस बारे में एक्चुअली बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले नाश्ता करते हैं। आज कैसा लग रहा है आपको इधर आके? सही लग रहा है। मज़ा आ रहा है? हाँ। मज़ा क्या आ रहा है, आप इधर ही बैठी रहती हो? हाँ, तो यहाँ ही मज़ा आता है। अच्छा, तो घर में डिनर नहीं करना आज? नहीं। ईशा, फिर हम क्या खाएंगे? हम बेचारे देखते हैं कुछ। गजर पक गया है। केबाब वगैरह चलेगा आज? बस फिर गुजारा से शायद कर ले। ये क्या हो रहा है बच्चों इधर? कुछ नहीं। हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हूँ। ये कौन आ गया? दानी। हाँ। अच्छा, आप दोनों को कोरोना हुआ था? हाँ। तो कैसी तबीयत है आप? ठीक है। तो कैसे, मतलब आपको बुखार हुआ था, खांसी हुई थी, दर्द हुआ था, क्या हुआ था? दानी का सही ठीक था, दानी का इतना नहीं हो रहा था। मेरा सर में और दर्द हो रहा था, रात को से सोने नहीं आता। पेट में भी दर्द हुआ था आपके? हाँ। और टांगों में दर्द हो रहा था? आप खाना चाना ठीक खा रहे थे? हाँ, खाना ठीक। ऐसा हुआ था कि आपको जायका नहीं आ रहा, स्मॉक नहीं आ रहा खाने का? नहीं, स्मॉक तो सही नहीं, नहीं उसको बोली। आपको, आप ठीक रहे थे दानी? हाँ, मैं ठीक था, पर कभी होता है थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। हाँ, पर कभी होता है सही। तो मदीना, आपको जब पता चला कि रियान और जान को कोरोना है तो आपको कैसा लगा? आप परेशान हो गई थी? सरप्राइज थी। परेशानी नहीं हुई थी? हुई थी। तो अभी दोनों ठीक हैं, है ना? आपको डर तो नहीं लगाते हुए कि उनको कोरोना है तो मुझे ना हो जाए? यू? अच्छा, ये डर रही थी आप लोगों से? आप सारों से डर रही थी। मुझसे भी डर रही थी? हाँ। ओह माय गॉड, आप तो डर नहीं है ना? नहीं। पता है, आप 6 महीने के लिए हमें नहीं हो सकता, हम अय्याशी कर सकते हैं, हम घूम फिर सकते हैं, हम सफर कर सकते हैं। आप हम बाहर जा सकते हैं? हाँ, अब तो आप जा सकते हो बाहर, पर पहले नहीं जा सकते थे। तो पता है आपको स्कूल से कितनी छुट्टियाँ मिल गई हैं फ्री में ऐसे ही बीमारी की वजह से, ना? और आपकी वजह से वो आपकी पूरी क्लास को, उनको बस इतना नहीं हुआ है, उनको 10-12 दिन तो उनको भी मिले होंगे ना छुट्टियों से। हाँ, उनको इतना नहीं होया। हाँ, ना होया क्योंकि बीमारी में भी देखो कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं यार। मदीना, देखा, बीमार थे तब भी हमें जैसे सेक्स लेक्चर बैड आउट थे। अच्छा, हाँ, लेकिन ये तो बीमार थे ना, इनको तो कोरोना हो गया था। तो अब आप लोग खुश हो कि आप ठीक हो? हाँ, तो अब हम इतने लेक्चर नहीं करते क्योंकि
आप तो छुट्टियां है ना, तो क्रिसमस की छुट्टियां है ना, तो कैसे मना रहे हो आप क्रिसमस आज? मुझे इतना नहीं पता, मैंने प्लान लगे नहीं किया। हाँ मतलब हम देसी तरीके से क्रिसमस मना रहे हैं, बस घर में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं और क्या करना है। हाँ। आपको लगता है आपको गिफ्ट मिलेंगे आज? मुझे नहीं पता, तो बच्चों को तो मिलेगा पर आपको? तो मुझे आप लोगों ने गिफ्ट देना होता है ना, पता ये क्रिसमस की रवायत है कि जो छोटे हैं वो बड़ों को गिफ्ट देते हैं। हाँ। जब ईद आती है तो बड़े जो हैं वो ईद ही देते हैं। आपको पता है कि मैंने क्यों फिर मामा को क्या अपनी मैंने मामा को पूछा है मैंने मामा को पूछा था कि मामा मैं आपके लिए क्या बना, जाओ जाओ मामा से पूछ के आओ कि मामू पा के लिए क्या खरीदा है हमने, जाओ पूछ के आओ, जाओ ऊपर जाओ। मुझे मिल चुका अपना प्रेजेंट। आपको मिल चुका तो आपने मेरे लिए क्या खरीदा? एग्जैक्टली किसी को कुछ चाहिए नहीं है क्योंकि फैमिली है। तो फैमिली है तो फिर भी गिफ्ट तो चाहिए ना। देखो मैं मतलब बीमार रहा हूँ तो मैं सोचता रहा हूँ कि मदीना जो है ये मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आएगी। ये सारा हिस्से थे भाई, ये सारा कुछ है। क्या सीखे आपको मिलेगा, मैं भी ऐसे गिफ्ट। क्या मिलेगा मुझे? थ्रू थैंक यू कर पौधा कि क्या आपको मिलेगा। मामा ने कहा है कि अपने देख अपने इवेंट करना, फिर सारे आएंगे, फिर सारे खोलेंगे, फिर मामा आपको देगी, फिर मुझे मिलेगा। वाओ, जो जो तानी कहना नहीं आपने शिप किया आपके लिए, आपने शिप किया मेरे लिए? हाँ। मैं तो मजाक कर रहा था यार। हमने किया है। अब मैं भी जरा बच्चों के लिए गिफ्ट पैक कर लूं, लेकिन मैं गिफ्ट नहीं दे रहा किसी बच्चे को भी। एक्चुअली अदीला भाभी मुझे कह के गई है कि गिफ्ट पैक कर दूं, मैं किसी के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा। और बच्चों को क्रिसमस पे गिफ्ट क्यों देने हैं, इसकी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन जो है वो कल वसीम भाई और इरम भाभी ने अपने व्लॉग में दी थी, तो आप उनका व्लॉग जाके देखें, आपको पता चल जाएगा। मैं इतने ज़रा ना इंटेलेक्चुअल अंदाज में बता नहीं सकता। मुख्तसर ये कि अब हमें याद है कि हम गर्मियों की छुट्टियों के बाद पाकिस्तान स्कूल वापस जाया करते थे, तो हमसे पूछा जाता था नॉर्मली जैसे एक दूसरे से सारे पूछते हैं कि आपने छुट्टियों में क्या किया, आप कहाँ गए। तो हमारे पास कोई कई बार होता है कि आप कहीं नहीं गए होते, आपके पास जॉब नहीं होता, आपको वैसे हिसाब से कमतरी होने लगता है और आप कुछ करते हैं कि कुछ झूठ बोल के कवर अप कर लें। तो यहाँ जब बच्चे स्कूल वापस जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा आपने क्रिसमस कैसे मनाई और आपको गिफ्ट क्या क्या मिले, तो बाकी आप खुद समझदार हैं। तो हमारी क्रिसमस ऐसे गुजरी है कि सुबह उठ के नाश्ता किया, उसके बाद चाय पी, उसके बाद एक तमिल फिल्म देखी हिंदी डबिंग के साथ, और अब हम खाएंगे केबाब। हमारे केबाब आ रहे हैं अभी रास्ते में, है ना? आ रहे हैं ना? आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे कर्ण अर्जुन आएंगे, केबाब लेके आएंगे, दरवाजा खोल के आएंगे। आ गए, अब बस लेविंग करने आए। हाँ, आप हमें केबाब दें और वापस चले जाएं। बिठाले वो क्या होता है, हमें पता ही नहीं कि वो क्या होता है। ये और तो मैंने सीखा होता है। हाँ। अपनों में हिसाब किताब नहीं होता ना। इतने ज्यादा गिफ्ट मेरे लिए, ये हम लोगों की तरफ से है मेरे लिए। नहीं, आप हम में शामिल हो। अच्छा, मेरी तरफ से भी हमें, ये सही नहीं है। मुफ्त में बगैर पैसे दिए, ऐसे होता है कि बगैर पैसे दिए आपका नाम भी शामिल होगा गिफ्ट देने वालों में। वाह, ऐसे भाई और भाभी किसको मिलेंगे?
ये तो मेरा है। इकट्ठे के बाद में बैठना ना, मतलब ये कि जो जल्दी चीज हो जाए तैयार होके बस तैयार होगा। 6 बजे उठना, बकर 3 बजे उठना नहीं है, 3 बजे फिर यहाँ। और ये अब सुबह की प्लानिंग, सुबह क्या खाना है और सुबह कैसे पार्टी करनी, सुबह का दिन कैसे गुजारना, रात को फिर कबाब मंगवा लेंगे। अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहे और हमें खाना भेजना चाहे तो हम हाजिर हैं रिसीव करने के लिए खाना। स्वीट्स भाई आयशा आई हो और केक ना हो ये तो हो नहीं सकता है ना। थैंक यू आयशा। अभी हम लोग बाहर निकले हैं ज़रा चक्कर लगाने, खाना हजम करने, कबाब हजम करने। आज बहुत सर्दी है ना, -5 -6 है अभी तो। आज वैसे रश थोड़ा है गाड़ियों का क्योंकि लोग क्रिसमस की वजह से अपने अपने घरों में हैं। तो मेरे ख्याल में आज का व्लॉग इधर ख़त्म करते हैं। हम आपको थोड़ी बहुत डेकोरेशन दिखाएंगे जो लोगों ने घरों में की हुई है, आप वो देखें। हमें दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक अपना याद रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों को खुश रखें और इंजॉय करें। खुदा हाफिज़।